पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट को बटने के लिए जगह, इसलिए करंट बट जाएगा, बट सेम क्या रहेगा, वोल्टेज। अगर पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो सीरीज में वोल्टेज अलग अलग रहेगा ना। यहां भी वी और यहां भी वी। बोलो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन सेम। आवाज आ रही है? यस सर। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन सेम। क्या आएगा पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? उल्टा करके जोड़ देंगे। जस्ट अ सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड। राजुल, ये स्पॉटलाइट का ऑप्शन नहीं आ रहा, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन नहीं आ रहा अभी तक जो आ रहा था। ये अच्छा, वो तो इसमें भी जाता था। चलो ठीक है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन सेम, और क्योंकि करंट को रास्ता मिल गया तीन अलग अलग रास्ते से जाने का, इसलिए करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू के हिसाब से बढ़ जाएगा। जहां रेजिस्टेंस कम वहां करंट ज्यादा। सही बोल रहा हूं ना मैं? यस। चलो अब यहाँ पे मैं V बराबर क्या लिख सकता हूँ? V बराबर आई वन आर वन है ना। यहाँ पे मैं V, तो यहां मैं लिख सकता हूँ V बराबर आई वन आर वन ओम्स लॉ से, जो मैं समझा चुका हूं। और अगर नहीं समझा है किसी ने तो अभी अभी मैं समझा दूंगा, बने रहे लाइन पर। V बराबर आई, V बराबर क्यों लिख रहा हूँ, V2 क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि वोल्टेज तीनों में, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं। यहाँ पे ओम्स लॉ लगाऊंगा तो यहाँ पे लिखूंगा V बराबर आई थ्री आर थ्री। तो करंट रेजिस्टेंस के अनुसार बट जाता है लेकिन वोल्टेज सेम रहा। अच्छा, यहाँ आई आई वन आई टू आई थ्री में कन्वर्ट हुआ है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, है ना? है ना बच्चों? यस सर। यस। यहाँ पे जैसे मुझे वी वन निकालना है तो मैं ओम्स लॉ कैसे लगाऊं? वी वन आर वन के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो आई आर वन, am I right? Yes sir. अब मुझे V2, V yes, sir. Sir, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही।
आवाज आ गई बच्चों? यस सर। यस सर। ये होस्ट। एक मिनट बच्चों, हाँ एक मिनट बस। दिख गया स्क्रीन? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर पैरेलल में होता है तो उल्टा करके जोड़ देते हैं, सीरीज में होता है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और सीरीज में करंट सेम रहता है, राइट? अभी इतना तो मैं पढ़ा चुका हूँ तुम लोग को। उसके बाद मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, सीरीज और पैरेलल जब दोनों हो तो पहले जो आसान दिख रहा हो वो सॉल्व कर दें। ये आर वन, ये आर टू और ये आर थ्री, तो बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये सीरीज और पैरेलल का मिक्स है। आर वन और आर थ्री पैरेलल में है या आर टू और आर थ्री पैरेलल में है, या आर वन और आर टू सीरीज में है और फिर वो दोनों का इक्विवेलेंट आर थ्री के साथ पैरेलल में? सर लास्ट पहले क्या करोगे? हाँ मतलब पहले क्या करोगे? सर आर वन और आर टू को ऐड कर देंगे, मतलब उसका इक्विवेलेंट। हाँ क्योंकि ये दोनों, हाँ क्योंकि ये सीरीज में है। वेरी गुड, तो ये आ जाएगा आर वन प्लस, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया आर वन प्लस आर टू, और फिर वो आर थ्री के साथ पैरेलल में। समझ में आया अनुराग? तो जो इजी दिख रहा है वो पहले कर दो, जो इजी दिख रहा है वो पहले कर दो। तो मुझे सीरीज वाला पहले इजी दिख रहा था तो मैंने वो पहले कर दिया, है ना? अब ये दोनों पैरेलल में आ गए तो आप क्या करेंगे? आप उल्टा करके ऐड कर देंगे, है ना? यस सर। यस सर। अब एलसीएम ले लो, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, और इनका आपस में मल्टीप्लाई, आर थ्री इंटू आर वन प्लस आर टू, और अब पलट दो। धीरे धीरे सिखा दूंगा, ठीक है? समझ आया कैसे किया ये वाला? थोड़ा थोड़ा समझ आया? थोड़ा थोड़ा थोड़ा। चलो अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या होता है? अगर एल लेंथ का वायर है और वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? रो एल अपॉन ए, रो एल बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, लेंथ इज एल, तो इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा रो एल अपॉन ए। याद है ये सब? याद yes. है yes. मेरा सवाल ये है, व्हाट इज इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस इफ वी कनेक्ट टू 10 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल? बताओ अनुराग। यस बताओ, अगर हम 10-10 ओम के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दे तो इक्विवेलेंट क्या आएगा? इस तरह से आवाज आ रही है मेरी? यस। दिस इज 10 ओम, दिस इज 10 ओम, बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? सर 5 ओम। 5 ओम सही है। कैसे किया? सर ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, 100 बाय 25। वेरी गुड। ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, उल्टा करके जोड़ दो 1/10 1/10 2/10 तो 1/5। अब इसको पलटोगे, ये पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट 5 ओम। और जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो तुम हाई स्पीड के लिए ये कर सकते हो, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, नीचे सम, हाई स्पीड के लिए, ठीक है?
लेकिन पैरेलल, अब आप कॉपी ही नहीं खोलोगे तो भूल जाओगे, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, तो 100/20 आ गया 5 ओम। समझ आया ये वाला? लेकिन ये शॉर्टकट सिर्फ तब लगती है जब दो रेजिस्टेंसेस हो, ठीक है? तो जब दो बराबर रेजिस्टेंस पैरेलल में होते तो इक्विवेलेंट उसका आधा आ जाता है। देखा ना आपने, 10 और 10 था तो इक्विवेलेंट कितना आ गया? 5। हाँ, तो इक्विवेलेंट 5 आ गया। अब हम आगे देखते हैं, अगर दो 10-10 ओम के जोड़े तो इक्विवेलेंट 5 आ गया। अगला सवाल बताओ, इफ टू रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू लेट सपोज आर ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, इक्विवेलेंट क्या आएगा? R1 R2 upon R1 plus R2। दोनों R हैं, two resistance of equal value R। सर तो फिर R square upon 2R। हाँ तो R/2 आ गया ना, है ना? Yes sir। Shortcut थोड़ा deep तक लगाओ यार, मैं तो अभी बिना शॉर्टकट के करके बताऊंगा। आर आर वैल्यू के दो रेजिस्टेंस हो गए अनुराग, दिख रहे हैं बच्चे हैं? यस सर। इक्विवेलेंट निकालना है ना? यस, आर यू देयर? यस सर। हमें निकालना है इक्विवेलेंट, तो कैसे निकाले बोलो, उल्टा करके जोड़ दो बोलो सर। उल्टा करके जोड़, तो ये भी पलट जाएगा, है ना? तो R इक्विवेलेंट आ गया R by 2। समझ आया? Yes sir। Yes sir। Yes sir। Question number 3। Find equivalent resistance। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, यह है 2 ओम, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 2 ओम। बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है ए और बी के बीच में? ये बी है, ये ए। 3 ओम। 3 ओम। 3 ओम पक्का? यस। तुम्हारा क्या आ रहा है सक्षम, तुम्हारा क्या आ रहा है? यशस्वी तुम्हारे क्या आ रहे हैं? बड़े दिनों बाद यशस्वी भाई, क्या बात है, आओगे अब रोज मेरी क्लास सर? में यस सर, अब तो रोज ही रहूंगा मैं। कसम, आज कसम समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तू अगर समझने की कोशिश करे मैं तेरे को बैकअप देके पूरा समझा दूंगा, ठीक है? बस तू रोज आने का प्रॉमिस कर दे। देख पैरेलल में रहते ना, एक के ऊपर एक लगे रहते तो उल्टा करके जोड़ दो, ठीक है? जैसे ये 2 ओम 2 ओम। सर मैं शुरुआत से समझना पड़ेगा, मैंने सिर्फ बुक से थोड़ा बहुत पढ़ा है और टेस्ट मैंने तुक्के के दम पे दिया है। तो तू ना मेरे को, मेरा नंबर ले ले, मेरे को कॉल करना, मैं तेरी स्पेशल क्लास लगा। यस सर। है ना? यस सर। तो ये दोनों पैरेलल में है तो पहले तो मैं ये सॉल्व करूंगा क्योंकि दोनों डायरेक्ट पैरेलल में दिख रहे हैं सिवम, ठीक है? हाँ 3 ओम करेक्ट आंसर है, 3 ओम करेक्ट आंसर। तो पहले मैं उल्टा करके जोड़ूंगा, 1 + 2 + 2 तो 2/2 = 1/R। तो आ गया 1/1, फिर इसको पलटूंगा तो ये भी पलट जाएगा, तो ये आ गया 1 ओम। एक और तरीका है, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, 2 × 2 upon 2 + 2, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो 1/1 आ गया 1। समझे वन कैसे आया? Yes, sir। Yeah। इन दोनों की जगह 1 आ जाएगा, है ना? इन दोनों की ये 2 और 2 हटा के 1 लगा दूंगा 1, इन दोनों की जगह 1 लगा दूं तो अब कितना आ गया? अब कितना आ गया इक्विवेलेंट? 3 ओम, क्योंकि सीरीज में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। सीख गए? ठीक है, ओके। चलो अब मेरा अगला सवाल है, वी हैव 4 रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम ईच, हाउ we should connect
them to achieve 2 ohm resistance. Sorry, 1 ohm resistance. हम इनको कैसे जोड़ें कि 1 ohm मिल जाए? हमारे पास सर, चार रेजिस्टेंस हैं, चारों सर पैरेलल, पैरेलल में पैरेलल। मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है आप सभी सही है। चल सक्षम देखते हैं जोड़ के, है ना, पैरेलल में जोड़ के देखते हैं। सर इसको हिट एंड ट्रायल मेथड करके निकालना पड़ेगा क्या? हाँ, और कोई मेथड नहीं है, हिट एंड ट्रायल। मैथ्स तेज होनी चाहिए, बहुत तेज दिमाग चाहिए इसके लिए। ये देखो, ये मैंने इनको पैरेलल में जोड़ दिया, ठीक है बच्चों। अब क्या करूं इक्विवेलेंट निकालने के लिए? बोलो, उल्टा करके जोड़ दो। बोलो, उल्टा करके जोड़ना, उल्टा करके जोड़ दो। तो 1 upon R equivalent is equal to 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4. नारे? That is 4 by 4. 4 by 4. That is 1 by 1. अब इसको पलटोगे तो ये भी R equivalent 1. आसान था ना? Yes, sir. है ना, है ना? Yes, sir. Okay. चलो, सीख रहे हो थोड़ा थोड़ा? Yes. Find equivalent resistance. उसके अलावा भी कोई होती है सर? क्या? नहीं, series और parallel बस। नहीं सर, equivalent resistance. There are other types. No. Then we can write resistance too. Tenth में बस इतना जरूर। हाँ, ठीक है। तो तीर अच्छे से गिनना, बाद में नहीं बोलना। 4, 5, 6, 7, 8, 9 बताओ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ohm. अरे वाह, ये कैसे लगी हुई है सर? 1 ohm पैरेलल, पैरेलल मानेंगे ना इसको भी? अच्छा, ये भी पैरेलल ही है, एक के ऊपर एक, सभी पर एक ऊपर ऐसे। हां, ऐसे 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 9 है ना, तो मैं उल्टा करके जोड़ूंगा। देखो, 1 upon r equivalent is equal to 1 upon 9 plus 1 upon 9 plus 1 upon 9 कितनी बार? 9 बार ये लो, तो 9 बार 1 upon 9 तो आ जाएगा 9 upon 9, है ना, 1 upon 1। अभी इसको पलटूंगा तो ये भी पलट जाएगा, तो R equivalent आ गया 1 ohm। सीख गए थोड़ा थोड़ा? Yes. Okay. अब मेरा अगला सवाल है, what will be equivalent resistance if we connect? सर आपकी आवाज लैग हो रही है। 5 resistances of 1 ohm each in parallel. हेलो, अब आ रही है? यस सर। मैंने क्या करा, 1 1 ohm के 5 resistance ऐसे पैरेलल में जोड़ दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है? 5 5 5 होनी चाहिए, 5 1 1 ohm के 5। क्या रहे आंसर? 2 5 5 1/5 आएगा। अबे आखिरी में भी तो पलटना पड़ता है सर। 1/5 हाँ, 1/5 करेक्ट। AB, तो 1 upon R equivalent is equal to 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1. 5 बार करेंगे, है ना? फिर
फाइव बाय वन आ जाएगा, है कि नहीं? एलसीएम वन फाइव बाय वन, अब इसको पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा, ठीक है अनुराग? तो आ गया वन बाय, पलटना पड़ता है आखिरी में पैरेलल में, ठीक है? अगले प्रश्न के लिए तैयार? यस सर, यस सर। ध्यान से करना। अच्छा सीरीज में अगर लगे रहते तब क्या करना पड़ता है? डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है? इस वाले क्वेश्चन में आ जाएगा, तुम वो भी समझ लो। पहले कौन से सॉल्व करोगे? पैरेलल। वेरी गुड। तो क्या करें, हंड्रेड और हंड्रेड को कैसे सॉल्व करेंगे? हंड्रेड आ रहा है सर। वेरी गुड, ओवरऑल आंसर 100 आ रहा है। अभी तो उल्टा, अभी तो इन दोनों को तो उल्टा करके जोड़ोगे ना, 1 बाय 100 प्लस 1 बाय 100। हां सर, 2 बाय 100 उल्टा, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 100 बाय 2, मतलब 50। मतलब इन दोनों की जगह क्या लगा सकते? हां, इन दोनों की जगह क्या ना, 50 ओम का आर इक्विवेलेंट, 50 ओम का इन दोनों की जगह। और अब ओवरऑल आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 100। वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा सीख गए? यस पूरा सर। हाँ सर, रियल में भी ऐसे लगाते हैं, पैरेलल की जगह 50 ओम का लगाते तो वर्क करेगा वो? हाँ बिल्कुल, रियल में भी ऐसे ही होता है, वर्क करेगा, बिल्कुल करेगा। सर करंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आएंगे, अभी ये बेसिक तो सीख ले रहे हैं धीरे धीरे। और सर मैंने बुक में पढ़ा था कि ये टेम्परेचर किस पे, क्या रेजिस्टिविटी पे शायद प्रभाव डालता है? रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है? यस, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं क्या? उससे रिलेटेड यही क्वेश्चन है कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी टाइप ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है? बैकअप में करा दूंगा, चलो। देखते ये वाला किससे बनता है। करो। पहले क्या करोगे सर? 5 ओम्स। 5 ओम्स सर। 5 कैसे, मुझे भी तो बताओ कैसे करा सर। पहले सीरीज के लिए ऊपर सम, फिर सर पहले सीरीज, ठीक है? 3 ओम प्लस 7 ओम को पहले ऐड करेंगे तो 10 ओम हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। कृत कीर्ति नहीं है क्लास में? नहीं है। पहले 7 और 3 को जोड़ देंगे है ना, तो 10 हो जाएगा। यस सर। फिर उल्टा करके जोड़ देंगे। अब उल्टा करके जोड़ देंगे, हो जाएगा। फिर उसको सीधा कर देंगे और 5/5 फिर पलट देंगे। और ये भी होगा कि दोनों इक्वल हैं तो सीधे हाफ हो जाएगा। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं समय बचाने के लिए, लेकिन स्कूल में तरीके से लिखना पड़ता है तब नंबर मिलते हैं भैया, तो ऐसा मत ही करो, पूरा ऐसे एलैबोरेट कर लो, ठीक है? यस सर। अब देखते हैं अगला सवाल बनता है कि नहीं तुम लोगों से। लो अब बताओ,
वन ओम और सर 100 ओम पहले 1.01 गलत वन से थोड़ा छोटा रे क्या तिवारी जी तुम भी नहीं सर देख क्या उल्टा करके छोड़ेगा हर सर 0.101 प्रांजल भी नहीं आया है 100/10 देखो ऐसे करेंगे 1/1 + 1/100 अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बच्चों सर 0. और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो हाँ अब हुई ना बात तो सर मैंने बोला तो था 100 हाँ तो सही हो ना तुम अब ये पलटेगा तो ये भी पलटेगा 100/0.99 तो इससे ये बात सीखी हाँ जाने को तो बहुत लंबा जाएगा तो हमने ये बात सीखी कि जब हम दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो दोनों से ही छोटा आता है जैसे 1 और 100 जोड़ा 0.1 क्यों नहीं ले सकते हाँ फिर 1.01 क्यों नहीं ले सकते हाँ क्योंकि 100 चॉकलेट 101 लोगों को बांटोगे तो एक से तो कम ही मिलेगी ना बड़े छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर दिया है क्या जैन साहब छोटा ही आएगा ना एक से सर 101 में 400 करेंगे तो 1.01 डायरेक्ट कर देते हाँ तो अरे वाह यार मतलब ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम करके देख लो ना तो भी नहीं आएगा ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम तो भी यही आएगा तो वन से थोड़ा छोटा आया ना सो आंसर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 0.5 ऐसे लिख दूं तो चलेगा स्मॉलर देन वन तो क्या सीखे जब भी हम दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस छोटे वाले से भी छोटा होता है ठीक है Yes, जब भी हम दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो छोटे वाले से भी छोटा होता है ना ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये वाला एक मिनट अभी पूरा देख लो What is the equivalent resistance between A and B? चलो बताओ ये मेरी हिंट है कि ए और बी से दूर जाओ आखिरी में जाओ और वहां से सॉल्व करो जब दो बराबर रेजिस्टेंस पैरेलल में आते तो इक्विवेलेंट कितना आता है हाफ याद है तुम लोग को यस सर यस सर ऐसे एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल है 100 और 100 का इक्विवेलेंट आ गया था 50 बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास जब दो बराबर रेजिस्टेंस लगाते तो इक्विवेलेंट आ 2 और 2 लगाया था तो 1 आ गया था आर और आर लगाया था तो क्या आया था R/2 तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जब भी दो बराबर देखो 10 और 10 लगाए तो 5 आया था देख रहे हो तो जब भी दो बराबर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते तो इक्विवेलेंट क्या आ जाता है उसका हाफ चलो अब मैं गया ए और बी से दूर मतलब मैं गया इस तरफ मैंने देखा इस तरफ 3 और 3 काय में है सीरीज इसके बाद एक जुड़े है ना तो ये सीरीज में कहलाएंगे तो
तो सीरीज में कैसे जोड़ेंगे सक्षम, तीन और तीन डायरेक्ट जुड़ जाएंगे ना? यस सर, यस सर, है ना? तो मेरा जो नया सर्किट बनेगा वो ऐसा बनेगा, इन तीन और तीन की जगह मैं क्या जोड़ दूंगा, सिक्स ओम। सर ये थ्री ओम सिक्स ओम के पैरेलल में नहीं है? हाँ, अब ये जो मेरा आया ना जोड़ के, मेरा क्या आ गया उन दोनों की जगह, सिक्स। हाँ या ना? Yes, इन दोनों की जगह सिक्स आ गया कि नहीं? अब ये वाला सिक्स और ये वाला सिक्स काय में है? पैरेलल, पैरेलल में। तो कैसे करोगे, ऊपर प्रोडक्ट, नीचे सम, तो 36/12 कितना आ गया? थ्री ओम। मतलब इन दोनों को हटा के क्या लगा दूं? थ्री ओम, थ्री ओम, थ्री ओम। तो मैं इन दोनों को हटा के इसको हटाऊंगा, मैं इसको हटाऊंगा, इसको हटाऊंगा और इसको हटाऊंगा और यहाँ पे लगा दूंगा, आप मैं क्या लगा दूंगा, थ्री ओम, थ्री ओम। और फिर बता दूंगा कि इन दोनों की जगह आया ही है, ठीक है? सिक्स ओम आ रहा है फाइनली। अरे वाह, पकड़ लिया इसने। अब फिर ये तीन और तीन क्या हो गए? सिक्स, छह, सिक्स, वेरी गुड, सिक्स ओम हो जाएंगे। तो मैं फिर से इन दोनों को पैरेलल में तीन, हाँ पकड़ लिया ना कॉम्बिनेशन। अब मैं इन दोनों को हटा के फिर से लगा दूंगा सिक्स। मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं अनुराग? सर एग्जाम्स में ये पूरा डायग्राम बार बार बन जाएगा। अब इतना कठिन नहीं आता टेंथ में, अगर इतना कठिन टेंथ में आएगा तो बच्चे मर नहीं जाएंगे, वाह पागल हो जाएंगे बच्चे, ये बहुत कठिन है भैया। टीचर को टाइम लग जाए, ऐसा थोड़ी होता है। तो कह रहा हूँ, नाइस। ये फिर आ जाएगा थ्री, कराने नहीं है तो अपन सोचे क्यों आएगा ये? मैं इसलिए करा रहा हूँ, तुम लोग सीख रहे हो अभी, तो बालक बच्चे हो तुम लोग, अभी ऐसे फोड़म फोड़ू बच्चे होने चाहिए। सर ऐसी चीजों को मुश्किल थोड़ी कहते हैं। तो तुम लोग सीख गए ना, इसलिए जो क्लास में नहीं है उसको कराओ, उसको तुम ये दे दोगे क्वेश्चन तो बोलेगा अभी क्या कर, बारहवीं का कर रहे क्या, जबकि है टेंथ लेवल का। ये सिक्स और सिक्स की जगह थ्री लगा दिया, अब फिर से थ्री और थ्री, सिक्स, सिक्स। चलो फाइनली खत्म होने वाला है ये, सिक्स और सिक्स क्या हो जाएगा, थ्री, फिर से थ्री, फिर से थ्री। तो ये थ्री और ये थ्री हो जाएगा सिक्स। तो इतने सारे रेजिस्टेंस लगा ही क्यों जब सिक्स आ रहा था, क्यों बच्चों? आरी भी आ गया सिक्स, मजा आई। यस सर, यस सर। अभी अभी तो पहली बार तो सीखे हो, अब अगली बार कोई क्वेश्चन मिले तो कर देना डायरेक्ट, और क्या, ठीक है? वो बड़ा क्वेश्चन था, मजा आया। यस सर, यस सर, बता दीजिए कर दी। हाँ, कोई दूसरे तरीके से बता दीजिए। अरे इसका कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, क्या करना है आपको, ए और बी से दूर जाना है, सीरीज देखा सॉल्व कर दो, पैरेलल देखा सॉल्व कर दो, ए और बी से दूर जाओ बस, ठीक है? समझ गए? यस सर, यस सर, ठीक है। चलो अब होमवर्क क्वेश्चन लिखो। सर नोट सेंड कर दोगे आप? हाँ बिल्कुल। What is equivalent resistance? ये पहला होमवर्क क्वेश्चन है, दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है, ट्वेल्व ओम सिक्स ओम,
पैरेलल में है, ये तो अभी सॉल्व हो गया। ये वाला देखना थोड़ा, ये वायर है, ये भी वायर है, ये करो तो जाने। सर ये शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाएगा? नहीं,